हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नोपुर। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग या फाइन लाइन या ओपन पोर्स, जिनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके बारे में आप लोगों को कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ दूंगी और कुछ होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन जिसे आप इसे लेके इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो हाँ, रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आज के दिन में खड़े होके हम देखते हैं कि एंटी एजिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, या फाइन लाइन जिसे बोलते हैं, झुर्रियाँ आ जाना, स्किन लटक जाना, स्किन के जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाना, इन सब समस्याओं से हम बहुत ज़्यादा जूझने लगे हैं। मतलब जो जिनके मान लीजिए 30 साल की एज है, वो अपने एज से पहले ही कुछ थोड़ा ज़्यादा ही एज दिखने लगना, ये सब समस्याएं बहुत हो रही हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पॉल्यूशन तो एक बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, फिर धूप में, हम अगर बहुत ज़्यादा टाइम धूप में रहते हैं, हमारा स्किन एक्सपोज रहता है धूप में, तो भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज का जो ए रेज होते हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो कोलाजन टिश्यू होती है हमारी, जो स्किन को टाइट करके रखती है, ये धूप के जो अल्ट्रावायलेट ए रेज है वो उसे तोड़ देती है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो खराब हो जाती है, जिसके कारण से हमारे स्किन लूज हो जाते हैं, लटकने लगते हैं, उसमें बहुत सारी लाइंस आने लगती हैं, अपनी जो एज है उससे पहले ही हम थोड़ा एज दिखने लगते हैं, ये सब कारण होते हैं। तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के, और कुछ हमारी होम्योपैथी मेडिसिन लेने से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसे मैंने कारण बताया कि धूप में जाना, स्ट्रेस होना, कई बार विशेष करके जो फीमेल्स में देखा जाता है कि अगर एनीमिक है वो, तो भी इस तरह का परेशानी होती है। जेंट्सों में देखा जाता है कि अगर कैल्शियम की कमी है तो जेंट्स में ये होते हैं। हम सिर्फ ये फीमेल के लिए ही नहीं बोल रहे, मेल फीमेल दोनों ही, इवन छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, कई छोटे बच्चे को देखा जाता है कि उनका स्किन बहुत, मतलब देख के ही लगेगा कि जैसे कितनी उम्र दराज के लोगों का स्किन है, ढीलापन आ जाता है स्किन में, वो टाइटनेस नहीं रहता है, या स्किन एक पल डल कलर का देखने से लगता है। उन सबको अगर मैं जो आज मेडिसिन बताऊंगी वो आप यूज करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि धूप एक कारण है, स्ट्रेस एक कारण है, एनीमिक होना एक कारण है, उसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड सोप क्रीम यूज़ करते हैं तो भी एक कारण है। खुशबू वाला जो लोशन मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए मैं जब भी आप लोगों के लिए स्किन या हेयर के मामले में कोई वीडियो बताती हूँ तो ज़रूर मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। भले ही आपके पास थोड़े कम प्रोडक्ट हो, लेकिन हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट हो और या अच्छी कंपनी की चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मैंने जैसे बोला कि ड्राई स्किन होना भी झुर्रियों का कारण है, जिनका स्किन बहुत ड्राई होता है उन्हें भी झुर्रियाँ या फाइन लाइंस या स्किन जो लटकना वो हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो भी स्किन में इस तरह का प्रॉब्लम होता है। इस कारण से मॉइस्चराइजर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। दिन में कम से कम एक बार तो मॉइस्चराइजर लगाए, जब रात को सोने जाते हैं तो जो आपका अपना अच्छा लगता है या जो आपके बॉडी को सूट कर गया है, उस तरह का मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो आप जो नारियल तेल, ऑलिव ऑयल या तिल का तेल, इस तरह का तेल से भी अपने स्किन का
या फेस का, जैसे हाथों का, पैरों का अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इससे भी आपको फाइन लाइन से छुटकारा पा सकते हैं। हफ्ते में एक बार जरूर कोई फेस पैक लगाएं, जैसे हनी ले लीजिए, केला ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही मिला के एक फेंट के उसको भी अपने स्किन में लगाइए। इससे भी आपके स्किन का जो टाइटनेस बना रहेगा और जो झुर्रियाँ भी नहीं आएगी। तो इससे सबसे अच्छा होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आप बात करते हैं, इसमें जैसे मैंने बोला कि जिन लेडीज़ों को विशेष करके खून की कमी होती है, किसी तरह का कोई हार्मोनल डिसबैलेंस होता है या पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाता है, उसे के लिए एब्रोटनम बहुत अच्छी एक मेडिसिन होती है। इवन एब्रोटनम लेडीज़ को तो मैं बोल ही रही हूँ, साथ में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे लोगों को भी कई बार हम देखते हैं स्किन बहुत ड्राई ड्राई से होते हैं या लटके लटके से देखने से लगते हैं, वो उसकी स्किन देख के लगता नहीं है कि ये किसी छोटे बच्चे का स्किन है, वहाँ भी एब्रोटनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। एब्रोटनम 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके ले लें, अगर बड़े हैं तो, और अगर छोटे हैं तो 10 साल के अगर नीचे के बच्चे हैं तो उन्हें 2-2 ड्रॉप्स दे सकते हैं। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है कैल्केरिया फॉस। जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम की अगर कमी होती है बॉडी में तो भी हमारा स्किन में झुर्रियाँ आना या फाइन लाइन होना या इलास्टिसिटी का कम हो जाना स्किन का, ये भी देखा जाता है। तो वहाँ अगर हम कैल्केरिया फॉस यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा होती है। तो 30 वहाँ भी 30 लेना है दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके। नेक्स्ट मेडिसिन आती है साइलेसिया। साइलेसिया सिर्फ लूज होना तो है ही कि आपका स्किन लूज हो गए हैं, लाइंस आ गए हैं, और जो ओपन पोर्स, जैसे मैंने बोला कि ओपन पोर्स कई बार देखते हैं कि पिंपल्स या हो गए, उसके बाद उसे जो गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं या बड़े बड़े से स्किन के बड़े बड़े छेद छेद से देखने लगते हैं, तो वहाँ अगर हम साइलेसिया 6X यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट दिखने को मिलता है। साइलेसिया 6X दिन में 3 बार 4-4 टैबलेट्स करके ले लें। तो ये तीनों मेडिसिन अगर आप एक साथ लेते हैं, जिनको ये फाइन लाइन्स हो चुके हैं, ओपन पोर्स भी है, स्किन थोड़ा लूज हो गया है, लग रहा है कि मुझे मेरे उम्र से ज़्यादा मैं उम्र देखने लगा हूँ, तो वहाँ पे आप ये तीनों मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं, एब्रोटनम 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके, और कैल्केरिया फॉस भी 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके, और साइलेसिया 6X दिन में 3 बार 4-4 टैबलेट्स करके, थोड़ी सी साइलेसिया जब भी लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा हल्का गर्म गुनगुना पानी पी लें, तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दिन में तीन बार जैसे सुबह ले लिया, दोपहर को ले लिया, रात को ले लिया, पर इन तीनों मेडिसिन के बीच में कम से कम 5 मिनट्स का गैप होना चाहिए। जब भी आप तीनों मेडिसिन लेते हैं तो तीनों मेडिसिन के बाद में 5 मिनट का गैप कर करके दवाई लें। इस तरह से महीने बाद, 1.5 महीने या 2 महीने भी आप लगातार ले सकते हैं। लेने के बाद देखिएगा कि धीरे धीरे आपका स्किन में एक बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। धीरे धीरे जो आपकी इलास्टिसिटी कम हो गई थी, वहाँ टाइटनेस आएगी स्किन में, तो इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।